हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर में टॉपिक रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इससे पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में और नेशनल पार्क्स के बारे में। तो पहले भी बताया जा चुका है कि ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई या नेशनल पार्क्स हो गई, ये सभी इंटररिलेटेड हैं। इन सभी का काम एक यूनिट की तरीके से काम करना है और इनका जो मेन पर्पस है, मेन जो एम है, वो सेम है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और स्पीशीज को कंजर्व करके रखना। तो बायोस्फीयर रिजर्व है वो लार्जेस्ट एरियाज है और उन्हीं एरियाज के बीच में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से ज़्यादा नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भी हो सकती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो स्पेसिफिक बनाई जाती हैं वाइल्ड जो भी एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नेचुरली अकरिंग सेंचुरी सच एज एन आईलैंड डेट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर स्पीशीज फ्रॉम हंटिंग, प्रीडेशन और कंपिटिशन। इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, अ जियोग्राफिक टेरिटरी विद इन विच वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम जो वाइल्ड प्लांट हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। तो वो कोई भी एरिया हो सकता है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया आईलैंड का एरिया है, लेकिन जो उसका मेन फीचर है वो ये रहेगा कि वहाँ पे हंटिंग, प्रीडेशन, किसी तरीके की कोई भी हंटिंग वगैरह है ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे हम किस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिसर्च के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, क्योंकि मैं क्योंकि अल्टीमेट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके जो एम्स हैं वो कैसे रहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के जैसे ही रहेंगे। तो हम स्टडी पर्पस के लिए, वहाँ पे रिसर्च पर्पस के लिए या टूरिज्म के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मिशन क्या रहेगा इसका, मिशन है, अब हमारा जो मेन मिशन क्या है या वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है उनका मिशन क्या है, केयरिंग एनिमल्स, कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी केयर करना और लोगों को एजुकेट करना कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जाना चाहिए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनको कंजर्वेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है। हिस्ट्री क्या है वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं वो कब से बननी शुरू हुई, तो मिनी टेल सेंचुरी बनी थी सबसे पहले कहाँ पे, श्रीलंका में, आज से 25 ईयर्स अगो। इसमें 35,000 हेक्टेयर लैंड थे, मीनिंग 35,000 हेक्टेयर लैंड को कवर किया गया था एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और बहुत सारे ट्रीज थे इसमें, जैसे कि पीक, इबोनी, मिला, इस तरीके के कुछ ट्रीज की स्पीशीज थी जिनको वहां पे क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया, और कुछ मैमल्स जैसे संभू, डियर, एलिफेंट्स, इनको वहां पे प्रोटेक्ट करके रखा गया। फर्दर इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज धीरे धीरे इंडिया में भी बननी शुरू हो गई। तो हमारे इंडिया में 2004 तक जो नेशनल डाटाबेस रिसोर्स था, उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया उसके अकॉर्डिंग 2004 तक 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी और उन्होंने नियर अबाउट 1,16,922 स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया को कवर किया हुआ है, जो कि हमारे टोटल एरिया का नियर अबाउट 3.56% एरिया है। अभी तक 217 सेंचुरीज हैं, उन्हें और प्रपोज कर दिया गया है। These are of national importance to conservation for endangered animal and plant birds. तो ये एक national importance की है, meaning nationally recognized wildlife sanctuaries हैं जिनमें की endangered animals को और birds को रखा जाता है। Endangered का meaning क्या होता है, जो कि खतरे में है या जो कि ऐसे animals या birds जिनका जो number है पहले काफी था लेकिन अब धीरे धीरे किन्हीं reasons की वजह से कम होता जा रहा है और आने वाले टाइम में उनके बिल्कुल खत्म होने का या विलुप्त होने का डर है, तो उन्हीं को ही वहाँ पे क्या है, अंडर कंजर्वेशन रखा जाता है। तो ये क्या है, अमंग द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है कंट्री के लिए, क्योंकि नेचर जो है उसे विजिट करना, नेचर को देखना इज द बेस्ट टूरिस्ट टूरिज्म एवर। तो इसीलिए ये जो भी हमारे प्लेसेस हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं विजिट करने के लिए। और हमारे पास कुछ इंडिया के जो टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि इनका नंबर काफ़ी है, तो हम टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है और इसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे लियोपर्ड्स हो गए, जंगल कैट हो गई, उसके अलावा इंडियन ग्रे मैंगूज, लंगूर,
एंड आउल्स वगैरह को कुछ को वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। यहाँ पे जो विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम का है, क्या है, मिड नवंबर टू द मिड जून। उसके बाद ये आपको नैनीताल उत्तराखंड में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। यहाँ पे आपको कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे, वन हॉर्न राइनोसिरोस, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो। तो देखोगे आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो हमारे पास कंजर्वेशन के लिए एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, वाइल्ड। तो हमने पहले भी जैसे पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, उनको अलग जगह पे नहीं बनाया जाता, उनको वहीं पे बनाया जाता है जहाँ पे वो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, और वहीं पे उनको क्या कर दिया जाता है, कंजर्वेशन के अंडर रखा जाता है, प्रोटेक्शन के अंडर रखा जाता है। यहाँ पे विजिट करने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है, सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च। इसके बाद है बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि गोर्स हो गए, टाइगर्स, इंडियन रॉक पाइथन्स, फोर हॉर्न एंटीलोप्स। बांदीपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। तो कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जो कि एरिया छोटा होने के कारण उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स में के अंडर नहीं रखा गया है, लेकिन जितने एरिया में है वहाँ के वहाँ उनको वहाँ पे क्या बना दी गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको मिलेंगे टाइगर, लियोपर्ड्स, डियर, वाइट टाइगर हो गया, सांबर, इंडियन वॉल्फ, मध्य प्रदेश में है ये। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क नाम से ही क्लियर होता है कि नेशनल पार्क के अंदर ही क्या होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। तो यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपर्ड, भारा सिंगा, इंडियन इंडियन वाइल्ड डॉग जैसे कुछ एनिमल्स क्या है आपको यहाँ पे। ससन गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। यहाँ पे आपको एशियाटिक लॉयन, इंडियन लियोपर्ड्स, इंडियन कोबराज, जंगल कैट्स, गोल्डन जैकार्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, गुजरात में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है कियो लेडियो घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड सेंचुरी के नाम से फेमस है राजस्थान में। यहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन, इग्रीट, स्पॉटेड डियर और हिरोन्स वगैरह मिलेंगे। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है ये। उसके बाद है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। यहाँ पे टाइगर्स, इंडियन एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, बाकिंग डियर, नीलगिरी, ताहर जैसे आपको एनिमल्स मिलेंगे। तो अगर हम देखो जितने भी नाम हम पढ़ रहे हैं इसमें एनिमल्स के, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आपको बिल्कुल ऐसी ऐसी स्पीशीज मिल रही हैं जो कि हमारे यहाँ पे कॉमनली प्रेजेंट नहीं है। तो इनका ही नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इनका नंबर मेंटेन रहे, ये प्रोटेक्टेड रहे, और आने वाले टाइम पे भी ये हमारे एक इकोसिस्टम का, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट रहे, इसीलिए क्या बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है। उसके बाद है पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र। यहाँ पे भी टाइगर, लियोपर्ड, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग, स्पॉटेड डियर जैसे जैसे फ्लाइंग स्क्विरल, इस टाइप के कुछ आपको एनिमल्स मिलेंगे। अब हमारे पास आपने मोस्ट कॉमन देखा होगा कि हर एक जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनमें टाइगर्स आर द कॉमन, और हमने टाइगर्स के नंबर्स को भी आज के टाइम में बढ़ते हुए देखा है कंपैरेटिवली पुराने समय से, क्योंकि जब से इस तरीके के कुछ प्रोटेक्टेड प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, कुछ इस तरीके की सेंचुरीज वगैरह बनाई गई हैं, तो इनका जो हंटिंग है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, और हंटिंग कम होने की वजह से इनका जो नंबर है उनमें क्या हुई है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। यहाँ पे भी आपको सांबर डियर, जैकाल्स, जंगल कैट्स, इंडियन वाइल्ड बोर, चिकारा जैसे कुछ आपको क्या है, एनिमल्स मिलेंगे। राजस्थान में है ये भी। उसके बाद है सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। जैसे कि सुंदरबंस में आपको टाइगर्स के लिए काफी फेमस है, लियोपर्ड्स, राइनोसिरोस, वाइल्ड बफेलोज, वाइल्ड हॉग्स, वाइल्ड कैट जैसे आपको बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कंजर्वेशन, क्या क्या कंजर्वेशन का काम होता है, किस तरीके से कंजर्वेशन की जाती है, हंटिंग हो गई, पोचिंग हो गई, या इलीगल कोई भी एक्टिविटीज है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड किया जाता है या मना किया जाता है, हम वहाँ पे हंटिंग या अपनी कोई भी इलीगल एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते। बहुत से स्ट्रिक्ट लॉज को वहाँ पे क्या करवाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है,
मीनिंग उन लॉज को क्या है कंपलसरी कर दिया जाता है फॉलो करने के लिए, और वहाँ पे हायर किया जाता है बहुत ही वेल ट्रेन पर्सन्स को जो कि उनकी क्या करते हैं प्रोटेक्शन सारी देखरेख का काम करते हैं, और वो काफ़ी ट्रेंड लोग होंगे। उसके बाद यही हमारे पास, हमें नाम याद करना है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे इंडिया में टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, और वहाँ पे आपको कौन कौन से एनिमल मेनली मिल रहे हैं उनके नाम याद करना है, और मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फंक्शन क्या है, उसका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके बारे में पढ़ना है। थैंक यू।